वेलकम बैक टू डेली डेस्टिनेशन। मैं अक्षत जायसवाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो कि भारत में अपना घर बना रहा है। आज हम लोग बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा वैश्विक महामारी का रूप ले रहा है जो कि पूरे भारत को ज्यादा भारी पड़ सकता है। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल बीमारी है जो कि पहले से ही मौजूद था, पर अब कोरोना वायरस के बाद जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं अब उनमें ज्यादा खतरा आता है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे ये बढ़ाता है म्यूकरमाइकोसिस, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर अभी तक आपने ब्लैक फंगस का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इधर आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो उससे टैप करके आप हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे म्यूकरमाइकोसिस है क्या। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसी रेयर बीमारी है जो आने वाले समय में काफी बड़ा महामारी का रूप ले सकती है। म्यूकरमाइकोसिस के अभी तक 3 फंगल इन्फेक्शन भारत में पाए गए हैं। सबसे पहला ब्लैक फंगस, दूसरा व्हाइट फंगस और तीसरा येलो फंगस। ब्लैक फंगस के बारे में मैंने पहले बता दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे व्हाइट फंगस के सिम्टम से। व्हाइट फंगस के सिम्टम्स ठीक कोरोना जैसे ही होते हैं, परंतु आप कोविड पॉजिटिव नहीं आएंगे। व्हाइट फंगस आपके फेफड़ों, नाखून, दिमाग, स्किन और पेट से सभी समस्याओं का कारण बन सकता है, तो इसके लिए आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉइड्स का सेवन ना करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होगी। जिन पेशेंट्स को शुगर जैसे अन्य बीमारियां हैं उनको ये बीमारी ज्यादा घातक साबित हो सकती है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है कि चीनी का कम से कम सेवन करें और फिर शुगर को कंट्रोल में करने की काफी ज्यादा कोशिश किया जाए। दूसरी बात ये होगी कि अगर आप स्टेरॉइड्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन ना करें तो फिर वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। स्टेरॉइड सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं, एंटीबायोटिक से भी आपको काफी ज्यादा परहेज रखने की जरूरत है, ऐसा ये डॉक्टर कहते हैं। देखिए, मेरा काम आपको डराने का नहीं है, मेरा काम है आपको सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें पहुंचाने का। तो फिर मैं ये इस जरिए से मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज। अब हम जानेंगे इसके इलाज के बारे में। देखिए, इसका इलाज पहले से ही हमारे मार्केट में बहुत पुराने से आ चुका है, लेकिन मार्केट में वैक्सीन की शॉर्टेज होने की वजह से ये जो इसकी जो वैक्सीन है काफी ज्यादा महंगी मिल रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इससे बचने के लिए काफी ज्यादा आप लोग परहेज रखें। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे तो फिर तुरंत ही डॉक्टर को रिपोर्ट करें, क्योंकि खुद ही डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि यह जो बीमारी है जानलेवा साबित हो सकती है, बीमारी है काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो समय रहते डॉक्टर ना बने, खुद डॉक्टर के पास जाएं। अब हम जानेंगे आजकल के सबसे चर्चित फंगल के बारे में, येलो फंगल, येलो फंगस जिसे भी कहते हैं। इसके कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, भूख ना लगना, आलस लगना, थोड़ा सा भी काम करके तुरंत ही थक जाना, लगातार वेट लॉस होना, आंख के नीचे लालिमा होने की वजह से उसमें पस जमना और फिर धीरे धीरे पस का बाहर आना, शरीर के किसी भी ऑर्गन का फेलियर करना, नेक्रोसिस जैसे कई सारे लक्षण पाए गए हैं। नेक्रोसिस मतलब लॉस ऑफ सेल लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि आपका जितने भी जिस सेल से आपका शरीर काम करता है वो धीरे धीरे, जो अणु, सेल को हिंदी में अणु कहते हैं, उनका काम करना धीरे धीरे बंद हो जाता है, जिससे शरीर का ऑर्गन जो है वो फेलियर हो जाता है, जो कि काम नहीं करता है। अगर ये येलो फंगस की कुछ सिम्टम्स आते हैं तो फिर डॉक्टर इसको पहचान करने के लिए सीटी स्कैन और एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आंख में पस वगैरह बन जाता है तो फिर डॉक्टर को आंख के ऊपर से सैंपल लेना पड़ता है और डॉक्टर को सर्जरी करके इसको निकालना पड़ता है, क्योंकि जहां जहां ये फंगस जाएगा वहां वहां के सेल डैमेज होते जाएंगे, और अगर सेल डैमेज होते जाएंगे तो फिर वो और फंगल इन्फेक्शन को और वो फैलाएगा, तो जिसकी वजह से डॉक्टर को वो जितने भी सेल्स हैं उनको काट के निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। अब हम बात करेंगे ये फैलता कैसे है। बासी खाना, पुराना खाना, साफ सफाई न रखने से ये ज्यादा फैलता है। इससे आपको बचना है तो फिर आपको प्रॉपर हाइजीन की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर स्वच्छता की जरूरत पड़ेगी। इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर एम्फोटेरिसिन बी नाम की एक इंजेक्शन वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। इस वैक्सीन को शरीर में इससे लगा जाता है ताकि शरीर में जितने भी फंगल इन्फेक्शन हो उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। पहले ये वैक्सीन काफी ज्यादा सस्ती आती थी, लेकिन अब कोरोना के साथ साथ म्यूकरमाइकोसिस की केस में बढ़ोतरी होने की वजह से एम्फोटेरिसिन बी की भी कीमत में इजाफा आ गया है।
अभी तक पूरे भारत में ब्लैक फंगस के 8,848 केसेस पाए गए हैं और व्हाइट फंगस के 4 केस बिहार में पाए गए हैं और एक जो येलो केस है उसका सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही केस नोएडा के गाजियाबाद में पाया गया है। अब मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों को इससे ज्यादा खतरा है। सबसे पहला जिन्हें डायबिटीज है यानी शुगर है, दूसरा वो लोग जो कि COVID-19 से अभी अभी रिकवर हुए हैं। अब इसी बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या ये जो म्यूकरमाइकोसिस, ये जो फंगल इन्फेक्शन है, क्या ये कैसे फैलता है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टच टू टच यानी छूने के माध्यम से ये नहीं फैलता है, लेकिन हाँ सावधानी बरतने की पूरी जरूरत है क्योंकि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ये जो फंगस है अपने आप को समय रहते म्यूटेंट मतलब चेंज कर सके अपने आप को। अब आप में से कई सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या है ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, क्या आने वाले समय में कई सारे कलर के फंगस आ सकते हैं? देखिए रणदीप गुलेरिया जी जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फंगल इन्फेक्शन है जो कि पेशेंट्स के अलग अलग जगह होने की वजह से अपना रंग को चेंज करता है। जैसे कि आंख के पास हुआ तो फिर वो ब्लैक फंगस कहलाएगा और फिर अलग अलग पार्ट्स होने की वजह से अलग अलग अपना कलर चेंज करेगा। तो फिर ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में कोई और कलर आएगा भी कि नहीं आएगा, इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हाँ आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितने भी फंगल इन्फेक्शन है, ब्लैक व्हाइट हो चाहे येलो हो चाहे आने वाले समय में जो कुछ भी हो, वो सब के सब म्यूकर माइकोसिस में ही आते हैं और इसकी पहले से ही इंजेक्शन बन चुकी है। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। आप देख रहे थे डेली डेस्टिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब से भर दीजिए, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ डेली न्यूज और ट्रेंडिंग अपडेट्स, वो भी इतने आसान शब्दों में जैसे अभी आपको समझ आया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, ब्लैक फंगस वाली वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डू सब्सक्राइब माई चैनल।